स्टैंडर्ड एट डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमने बार चार्ट और टेबल से कैसे बार चार्ट बनाते हैं वो देखा था, तो एक्सरसाइज में भी ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो मैं करवा देता हूँ। जो टॉप वाले हैं ना वो दो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। तो ये देखो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि समर में 90% जो एक डेटा ऐसा दिया हुआ है आपको पाई चार्ट का। सेकेंड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ द 360 पीपल वेर आस्क टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। उसके अकॉर्डिंग थ्री क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो थ्री क्वेश्चन आप बार चार्ट के बिना तो इसका आंसर नहीं दे सकते, तो पहले बार चार्ट बनाना पड़ेगा। तो बार चार्ट में ऐसा किया हुआ है आपको कि नंबर ऑफ वर्ड्स, तो समर में 90 है, फिर रेनी में 120 है और विंटर में 150 है। ओके, विंटर में 150। ओके, तो अभी देखो इसका पहले बार चार्ट बनाओ। आप कैसे बनाएंगे बार चार्ट? कैसे? पहले बार चार्ट के लिए मैंने बताया था ना कि पहले राउंड कर दो, पूरा ऐसे राउंड कर दो। तो राउंड, क्योंकि बार चार्ट आपको ड्रॉ करना ही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ द शोन इन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेंटर से ये हो गया आपका 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 270 एंड अकॉर्डिंग अगेन 360। अभी मैंने फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आप बार चार्ट ड्रॉ करो ना, तो बार चार्ट को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 90 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से भी कर सकते हो आप। ओके, तो अभी देखो हम अगर 90 से स्टार्ट करें तो पहले क्या है, समर। समर कितना है? 90। तो अगर हम 90 से स्टार्ट करेंगे तो 90 से 90 मीन्स 180, तो 90 से लेके 180 तक, तो 90 से लेके 180 तक ये आपका पार्ट हो गया समर का। किसका पार्ट हो गया? समर का। उसके बाद पार्ट है रेनी, रेनी सीजन, रेनी में 120, तो रेनी में 120, तो 180 से स्टार्ट होके 120, तो 180 प्लस 120 मीन्स कितना हो जाएगा? 300। तो 270 यहाँ पे है, तो 300 यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ तक आ जाओ। ये पूरा आपका हो गया रेनी, ये पूरा हो गया रेनी। और अभी जो ये पार्ट, जो शेडेड वाला जो पार्ट आपका बच रहा है, वो शेडेड वाला पार्ट आपका किसका हो जाएगा? विंटर का हो जाएगा। और ये पार्ट आप काउंट करो, ये 300 पे पहुंचे थे आप, तो ये 60, 300 से 360, तो ये 60 हो गया, और ये 90, तो 90 और 60 150, तो दिया है ना वह विंटर में 150 हो गया। तो हमने जो चार्ट बनाया वो हमारा सही है। मैंने 90 से स्टार्ट किया, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया आपका पाई चार्ट, ये हो गया आपका पाई चार्ट। तो देखो, विच सीजन गॉट अ मोस्ट वॉट, तो मोस्ट वॉट कहाँ पे है? 150 विंटर में। सेकंड, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर, ईच सेक्टर का सेंट्रल एंगल। तो ये समर का 90 हो गया, फिर ये रेनी का 120 हो गया, और ये सेंटर का 150 हो गया। फिर ड्रॉ पाई चार्ट, तो पाई चार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है। वैसा एक क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर में भी दिया है, कलर और कलर के पीपल्स ऐसे दिखाए हुए आपको। तो फिर से याद करो हम इसका कैसे ड्रॉ करते थे, इसको कैसे ड्रॉ करते थे। टोटल 360 है, टोटल 360 आपको दिया हुआ है। तो माइंड में देखो, हम ऐसे अगर पूरा सर्कल हम बनाते हैं, फिर से पूरा सर्कल हम बनाते हैं, तो ये 0 सेंटर हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 360 हो गया। ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये 0, 90, 180 हमने नीचे से स्टार्ट किया है, तो अगेन हम घूम के आएंगे तो 360। अब देखो बात हो रही है, टोटल 360 है, 36, टोटल 36 है। तो हमको पता है कि हम पूरा घूमते हैं तो 360 घूमते हैं ना, पूरा घूमते हैं तो 360 घूमते हैं। तो टोटल हमारे पास में कितना है? 360 है, और पूरा घूमते हैं तो एंगल कितना बनता है? 360 मीन्स अगर एक का हमको एंगल लेना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 3 × 2 / 1। यहाँ पे इसको 1 नंबर ले लो, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और इसका डिवाइड, तो 360 डिवाइडेड बाय 36, तो एक का एंगल आएगा 10, एक का एंगल कितना आएगा? 10 मीन्स अगर आपको 1 दिया है तो 1 के साथ में 10 एंगल ले लो, क्योंकि टोटल 360 है, 36 है, तो 36 इंटू 10 तो 360 हो जाएगा। तो देखो ब्लू में 18 दिया है, तो हमको पता है एक का 10 है, तो 18 का कितना हो जाएगा? 180 का कितना हो जाएगा? 180।
तो ब्लू का 18 दिया हुआ है तो 18 का 180, तो जीरो से स्टार्ट करो तो जीरो से लेके 180 तक ब्लू ही आएगा। ये जीरो यहाँ पे है तो जीरो से स्टार्ट करो 180 तक, तो ये पूरा आपका ब्लू हो गया, ये आपका पूरा ब्लू हो गया जो शेडेड पार्ट है वो। जीरो यहाँ पे था, जीरो से स्टार्ट करके 180, तो ये पूरा ब्लू हो गया। फिर ग्रीन में 9 है, 9 एक का 10 तो 9 का 19, तो 9 का 19 तो 180 से 270, तो ये आपका पार्ट हो गया ब्लू। 180 से 217 तो आपका ये पार्ट हो गया ब्लू, सॉरी ये 9 वाला ग्रीन है, कौन सा पार्ट है ग्रीन। फिर बात है रेड, रेड में 6 मीन्स एक का 10 तो 6 का 60, तो 270 से स्टार्ट करो तो 270 प्लस 60 तो 330, कितना आएगा 330, तो 330 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये आपका पार्ट हो गया किसका रेड, ये पार्ट हो गया रेड, और ये जो भी 30 का जो बचा वो आपका हो गया ब्लू। ओके, तो जैसे आप ड्रॉ करोगे ना तो दोनों ऐसे आएंगे, देखो ये ब्लू का आ गया 180, फिर हम ऊपर जाते हैं तो ग्रीन यहाँ पे आएगा, अगर नीचे जाते हैं तो ग्रीन यहाँ पे, तो ग्रीन का 90, रेड का 60 और येलो का 30, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके,